प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, फिर से एक बार तूने हमें मौका दिया है। प्रभु हम तेरे चरणों में आकर प्रभु तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चा खुदा प्रभु, सच्चा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। जब सुबह के समय में हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी, हम जैसे ही वैसे ही तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी जय हो, तेरी जय हो प्रभु। हालेलुया, सारे नामों में श्रेष्ठ नाम प्रभु तेरा है। हालेलुया प्रभु जी, आज का शाबाश दिन के लिए तेरा धन्यवाद जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। तेरी अपार कृपा के लिए, तेरा अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी आराधना करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरा अनुग्रह दीजिए, तेरी कृपा दीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति प्यार का सागर, सागर दया का, प्यार का सागर, सागर दया का, हे प्यार के सागर, हम तैरना चाहते सागर है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। दया का धनी है प्रभु जी। ऊंचाई मिले आसमान की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की, पर कोई ना ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। प्यार का सागर, सागर दया का है। प्यार का सागर, सागर दया का रखा। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रसन्नता हो प्रभु। परमेश्वर भोले पर भी तू मानव धारण किया, परमेश्वर भोले पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इस कारण हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इस कारण हमको दीवाना बनाया। उठा विकास सागर, सागर
सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में। हालेलुया, तूने प्रभु जी हमारे लिए क्रूस पे अपना जान दिया, प्रभु जी कुर्बान हुए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे शापों के लिए, प्रभु हमारा अनंत जीवन देने के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, प्रशंसा हो। वो मेरा मसीहा, हर जन्म जो प्रभु जी मेरे गुनाहों को ले लिया तूने, मेरे सारे जख्मों को तूने ले लिया प्रभु जी, हालेलुया थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा है, और सच्चा खुदा से प्रभु जी हमें अनंत जीवन मिला, हालेलुया। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह, मेरे ही गुनाह, इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह, मेरे ही गुनाह, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराए हैं, मैंने ही कराए। धन्यवाद प्रभु जी।
हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति प्रशंसा तेरी हो, हालेलुया हालेलुया, महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी, जिसके लिए तू योग्य है प्रभु जी, सारे संतों में तो अति पवित्र है प्रभु जी, हालेलुया, तेरे समान ना कोई है पवित्र प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। के दरिया एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दांतों के दरिया एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे ये मसीह, नजर आता है मुझे ये मसीह, दर्शन तो के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी एक प्रभु, अपने जीवन भरी जंगल के सफर में गौ सुख जारी गौ सुख जारी जंगल में रास्ता निकालने वाला परमेश्वर, हालेलुया, समुद्र का दो भाग करने वाला परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ये लोग कोई भी चीज असत्य नहीं है प्रभु जी, सारी चीज को प्रभु जी सत्य करने वाला परमेश्वर, तू ही है आत्म शोधन दीवादियों का, तू है नरगिस का सारुण का, आत्म शोधन दीवादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसे कामयुल स्थान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा, हम करूं मैं तेरी ए प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी सुन, गाऊं शुक्र गुजारी सुन, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, आज का दिन प्रभु तेरी महिमा के लिए हो जाए प्रभु जी, सारे लोगों के लिए प्रभु जी तू, हालेलुया हालेलुया, मुक्ति का कारण है प्रभु जी, तेरे लोगों के लिए प्रभु जी तू, हालेलुया हाले, आशीष का कारण है प्रभु जी, आज प्रभु जी तेरे सारे पवित्र लोगों के ऊपर तेरी कृपा होने पाए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह सारे लोगों के ऊपर होने पाए प्रभु जी, आशीष सारे लोगों के ऊपर होने पाए प्रभु जी, हम सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत है। हमारे यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसने क्रूस पर जाकर शत्रु शैतान को सिर पर कुचल दिया है, वो विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया है, उसी विजयी को हम प्रकट करें, उसकी महिमा करें, गीत गाते हुए हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के हम नाम को ऊंचा उठाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हमारा शत्रु शैतान हारा हुआ है, मेरा यीशु विजय हुआ है, हालेलुया,
विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हारा हुआ है, मेरा यीशु विजयी हुआ है। शत्रु के हर एक शक्ति पर, हर एक बीमारी पर उसने हमें अधिकार दिया है। यहोवा निशी जो हमें जय देने वाला, शत्रु के सामने युद्ध करने वाला, हमें विजयी जीवन में चलाने वाला हमारा उद्धार करता यीशु मसीह, उसकी महिमा हो, उसकी जय जयकार हो। हालेलुया, उसके नाम को, पवित्र नाम को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए उसका नाम को हम धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे साथ आराधना में जुड़कर प्रभु की महिमा करें, वो ही हमारी सुरक्षा है, वो ही हमारी चट्टान है। हालेलुया, वो ही हमारी आशा है, वो ही हमारा जीवन है। धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया यीशु, धन्यवाद।
प्रभु यीशु ने मुझसे कहा,
हूँ। प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे पास हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, मेरा सहारा है। हालेलुया, हालेलुया, वो मेरा आनंद है, वो मेरी ताकत है, यीशु मसीह मेरी ताकत है, वो मेरा बल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे पास हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे पास हूँ। हालेलुया, प्रभु तू कितना महान है। हमारी निर्बलता में तुम्हें बल देता है, शक्ति और सामर्थ देता है, हर एक असंभव बातों को तू संभव बना देता है। हालेलुया, क्योंकि तू ही सर्व सामर्थी प्रभु है, तू ही पराक्रमी खुदा है, हर एक समस्या का हल प्रभु तेरे पास है। प्रभु जी, सारे प्रश्नों का उत्तर प्रभु तेरे पास है, इसलिए प्रभु तू ही हमारी आशा है। प्रभु जी, तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा जीवन है। प्रभु जी, सारा आदर मान और महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमेन और आमेन। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे लोग, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह आपको मिले। आज हम वचन मनन करने जा रहे हैं भजन संगीता 84:84 में धन्य मनुष्य के बारे में हम देखने वाले हैं। कौन व्यक्ति है धन्य है? परमेश्वर का वचन के अनुसार, इस भजन संगीता के अनुसार कौन लोग है, कौन व्यक्ति है जो धन्य है? परमेश्वर की नज़रों में धन्य है, वही बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। भजन संहिता 84:4 वचन में पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भाई हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्य व्यक्ति के बारे में आपका शास्त्र में लिखा हुआ बात है, ये सच है, विश्वास योग्य है, इस बातों को हम विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं। मेरे लिए, मेरे प्रिय भाई बहन बच्चों के लिए ये वचन आशीष का कारण रहे, हमारा मनों में कार्य करें, जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन। इस भजन संहिता को लिखने वाले ये कहते हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं।
परमेश्वर का हुजूरी का आनंद मनाने वाले व्यक्ति है, परमेश्वर के सम्मुख में आनंद से रहने वाले व्यक्ति है, वही है धन्य व्यक्ति कहा जाता है। परमेश्वर के चाहत रखने वाले, परमेश्वर के ऊपर एक प्रेम, एक आनंद उसके सम्मुख में रहने के लिए आदमी चाहता है। पहला वचन से हम देख रहे हैं, ये सेनाओं का यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है, कितना प्रिय है आपका निवास स्थान, कितना अच्छा है जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं, उस स्थान में उसके संगति में, उसके साथ नज़दीक संगति में, उसके सम्मुख में आनंद मनाने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसका दिल तड़प रहा है, तरस रहा है, मेरे प्रभु के भवन में मुझे रहना है। ऐसे जो व्यक्ति है धन्य व्यक्ति है, उसका मन प्रभु के ओर लगे हुए हैं और कहते हैं, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। यहोवा के आंगनों की अभिलाषा कर रहा है, इधर उधर भागने के लिए नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के मंदिर में, भवन में, उसके आंगनों में जाने के लिए उसका मन तड़प रहा है। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। कैसा प्यासा के साथ पुकार रहे हैं, परमेश्वर को दुआई दे रहे हैं, प्रभु आप मुझे चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति है हमेशा प्रभु के साथ जीवन बिताने में, प्रभु का आराधना करने में मगन रहता है। यहाँ लिख रहे हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे, निरंतर करेगा। ऐसा जो व्यक्ति है परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा रहना चाहते हैं, वो लोग निरंतर परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहेंगे। आज वही आदमी धन्य है जो प्रभु के भवन में रहते हैं, केवल जाने वाले नहीं, केवल कभी एक बार चला गया, थोड़ा बहुत आराधना करके चले आ गया, ये नहीं है, रहते हैं वहीं पर, उसका मन लगा हुआ है। बोलते उसके आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, ऐसा करके बता रहे, सेनाओं का यहोवा, ये मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। तीसरा आयत में कह रहे हैं, तेरी डेवड़ियों में गौरैया ने अपना बसेरा घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रख के चिड़िया की बातें कर रहे हैं, गौरैया की बातें कर रहे हैं, चिड़िया की बातें कर रहे हैं, अपना बसेरा बना दिया, घोंसला बना दिया है, वहाँ पर अपने बच्चों को भी ला कर के रख दिए हैं, उसको देखभाल कर रही है। ये मेरे राजा, ये मेरे परमेश्वर करके पुकार रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसे पक्षियों परमेश्वर के मंदिर में, वहाँ पर एक कोने में ऊपर की कोई स्थान पर अपना घोंसला बना दिया, उसके लिए भी शरण स्थान मिल गए, प्रभु मुझे भी मिलना चाहिए। उसके मन परमेश्वर के साथ रहने के लिए प्यासा में है। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग, आपका मन किसके लिए प्यासा में रहता है? भजन संहिता 42 में भी हम पढ़ रहे हैं, मेरा परमेश्वर के लिए मैं प्यासा हूँ, जैसे हिरनी पानी के जल के लिए तड़प रही है, नदी के जल के लिए पानी के पीछे भागती है, वैसे ये मेरे प्रभु मैं तेरे लिए तरसता हूँ, तेरे पीछे मैं हो लेता हूँ। आज परमेश्वर का निवास स्थान के लिए एक प्यासा जो है, यही सच्चाई मसीहत की एक गुण है। परमेश्वर के भवन में बीच बीच में जाने वाले ने कभी एक बार चला गया ऐसा नहीं, हमेशा मन लगे रहना है, उसी में मन आनंदित होना है, प्रभु के सम्मुख के लिए एक प्यासा। आज एक जेन्युइन क्रिश्चियनिटी है, सच्चाई मसीहत यही है, परमेश्वर के सम्मुख में
केवल जाने के लिए नहीं, वहाँ पर हमेशा रहने के लिए एक प्यासा के साथ जो रहेगा वही धन्य है। और दसवीं आयत में कहते हैं, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के हज़ार दिन से उत्तम है। बोलते हैं दूसरे कितनी सारे जगह पर वो जा सकता है, बोलते हैं कितनी सारे जगह है दुनिया में, फेमस प्लेसेस हैं, शॉपिंग सेंटर से बड़े बड़े महल हैं। बोलते हैं दुष्टों की डेरों से वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। बोलते हैं उसके डेरे में जाकर मैं बैठा रहा हूँ, वहाँ वास करता रहूँ, वही मेरे लिए ठीक नहीं है। दुष्टों की संगति में मुझे समय नहीं बिताना है। परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। उसके डेवड़ी पर खड़ा रहेगा वॉचमैन जैसे, गेटकीपर जैसे खड़ा रहेगा तो भी मुझे आशीष तो मिलेगा। ऐसा करके परमेश्वर के लिए प्यासा का एक मनोभावना को इस व्यक्ति में हम देख रहे हैं। वही व्यक्ति धन्य है, बोलते हज़ार दिन भी दूसरे जगह में मैं बिताऊंगा वो मेरे लिए मायने नहीं है, तेरे सम्मुख में तेरे आंगनों में एक दिन भी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है, बहुत उत्तम है। ऐसे आज परमेश्वर का भवन के लिए, प्रभु की हुजूरी के लिए, समूह में जाने के लिए जिस व्यक्ति के अंदर एक प्यासा है वही धन्य व्यक्ति है। हम ये कह सकते हैं उसके अंदर स्वर्ग पहले से आ चुका है, ये स्वर्ग का एक गुण है। स्वर्ग में लोग हमेशा प्रभु के हुजूरी में आनंद मनाते हैं। परमेश्वर का निवास स्थान लोगों के बीच में रहता है, ऐसे प्रकाशित वाक्य में वचन को हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का हेडक्वार्टर्स भी स्वर्ग से पृथ्वी पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय में हम देख रहे हैं परमेश्वर लोगों के साथ रहने में पसंद करते हैं और ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उनके ऊपर प्यासा के साथ चाहत रखते हैं, उनके उजर में रहने के लिए तरसते हैं। ऐसे लोग पहले से स्वर्ग को अपने मन में पा लिए हैं। स्वर्ग का यही बात है, प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे पांच अध्याय में लिख रहे हैं, ऊंचे शब्द से कहते थे वध किया हुआ मेमना, सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। कितने सारे लोग वहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। स्वर्ग का जब भी एक झलक मिलता है उसको देखने के लिए यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में वहाँ पर आराधना के विषय में बता रहे हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या को वो देख रहा है। प्रकाशित वाक्य सात अध्याय में लिख रहे हैं, देखो हरेक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमना के सामने खड़ी है। परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी भीड़ को देख रहा है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के सामने मुँह के बल गिर पड़े, परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। हमारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। देखिए वहाँ पर भी प्रकाशित वाक्य सात अध्याय में स्वर्ग राज्य में बड़ी भीड़ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु के हुजूर में हम जाएंगे, हमारे लिए उसको स्तुति करने बगैर रह नहीं पाएंगे। उसका इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु प्रेमी परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है,
स्तुति के योग्य है। इसराइल की स्तुति के बीच में विराजमान करके भजन संहिता 22 में हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर स्तुति आराधना को चाहता है, हम उसको आराधना करने से हमको भी आनंद मिलता है, उनको भी आनंद होता है। उसके सम्मुख में जाने वाले खाली हाथ से नहीं जाएगा, सच्चाई दिल से धन्यवाद के साथ भजन सिंह 100 में पढ़ रहे हैं, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। धन्यवाद के स्तुति बलिदान चढ़ाते हुए परमेश्वर के सम्मुख में जो जाते हैं रहते हैं वही धन्य हैं। प्रकाशित वाक्य 8 में देख रहे हैं, आधा घंटा के लिए वहाँ पर एकदम शांत रह गया करके पहला आयत में लिखा, इसका मतलब क्या है? स्वर्ग राज्य में हमेशा एक्टिविटीज रहता है। लोग सोच रहे हैं ऐसे जाके सोते रहेंगे वहाँ पर आराम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आनंद की एक्टिविटी से स्तुति आराधना है, प्रभु के गीत गाएंगे, म्यूजिक बजाएंगे। वहाँ पर लिख रहे हैं 1,44,000 लोगों के बारे में प्रकाशित 14 अध्याय में, वीणा बजा रहे हैं वो लोग। इतना अच्छा उनके बोलने से भी उनकी स्तुति आराधना सुनने के लिए एक अच्छा म्यूजिक जैसा लग रहा था। स्वर्ग राज्य में म्यूजिक और स्तुति आराधना खासियत है, मेन पार्ट है। जो भी स्तुति आराधना को परमेश्वर का समूह का नफरत करने वाले हैं वो लोग कैसे स्वर्ग में पहुंच पाएंगे? स्वर्ग राज्य में तो यही हमारा आनंद की सोता है, परमेश्वर ही हमारे लिए जीवन जल की नदी जैसे हम सबको प्यास बुझाने वाले हैं। स्वर्ग का खासियत वही है, वहाँ रहने वाला परमेश्वर है। बाकी तो सोना का सड़क है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं, वो सब बाद में होती हैं। सब लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, परमेश्वर को चाहत रखने वाले हैं। बड़ी भीड़ को देखा, प्रकाशित वाक्य 19 में पहला वचन में भी बता रहे हैं। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से एक कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर ही की है। प्रभु को स्तुति महिमा कर रहे हैं वहाँ पर भी। ऐसे एक भीड़ है, यही स्वर्ग का भीड़ है, वही स्वर्ग का निवासियों है। आज इस दुनिया में रहते हुए इस बात को हम समझ लेना चाहिए, परमेश्वर का भवन हमारे लिए प्यासा है। और इतना भी नहीं, नया नियम की प्रकटीकरण में आप आओगे आपको पता चलेगा हम खुद परमेश्वर का भवन बन गए हैं, हम खुद उसका निवास स्थान हो गए हैं। विवरणियों की किताब 3 अध्याय में 6 आयत में पढ़ रहे हैं, पर मसीह पुत्र के नाई उसके घर का अधिकारी है, हम सबका अधिकारी है और उसका घर हम है। ब्रोनी 3 अध्याय में कह रहे हैं हम उसका घर है। यदि हम साहस पर अपनी आशा के गमन पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, हमें गमन करना है आशा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर हमारा जो रिश्ता है उसमें हम आनंद होना चाहिए। इस आनंद अंत तक रहना चाहिए, प्रभु के हुजूरी का आनंद उठाना चाहिए, प्रभु के सम्मुख के प्यासा हमारा अंदर हमेशा रहना चाहिए, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम उसका घर है, हम उसके भवन में जाते हैं ज़रूर, लेकिन हम खुद उसके लिए निवास स्थान बन गए हैं। कुरिन्थियों की पत्र में 2 जगह में लिख रहा है, 6:19 में बता रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, हम अपना नहीं है, अपने लिए जीने के लिए अपना नहीं है।
कह रहे हैं तुम परमेश्वर का है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारा में रहता है, तुम उसका मंदिर है। एक व्यक्तिगत विश्वासी के शरीर के बातें कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर से मिला हुआ है। 18-19 में हम देख रहे हैं, तो हम उसका भवन बन गए, सुंदर भवन बन गए, परमेश्वर हमारा में रहते हैं, महिमा की आशा है। जरूर इसके उपस्थिति हम महसूस करना चाहिए, उसको आनंद उठाना चाहिए। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, वही मुझ में जिंदा है, यही मेरी ताकत है। ये भक्त लोग गीत रचाते हैं ये अनुभव के साथ, यीशु को पहना हुआ अनुभव होना चाहिए, अंदर से बाहर यीशु प्रकट होते हैं, यही उसके भवन में रहने वाला अनुभव। परमेश्वर हमारा अंदर रहता है, महिमा की आशा है। और पहला कुरिन्थियों 3:16 में पूरा कलीसिया की बातें कर रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। एक एक विश्वासी परमेश्वर के लिए निवास स्थान है, और सब कलीसिया मिलजुल कर और एक पवित्र मंदिर है, वो भी हम देख रहे हैं। पहले कुरिन्थियों 3 में भी, अभिषेक 2 में भी हम देख रहे हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के लिए सुंदर महल बना रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने सेवक लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यीशु मसीह के नींव के ऊपर दृढ़ चट्टान है, मजबूत पत्थर है, उसके ऊपर सुंदर महल बनाया जा रहा है। हमेशा परमेश्वर की स्तुति महिमा करने वाला एक झुंड है, एक स्वर्ग का झुंड है, उसी में आनंद मनाओ, उसी में गमन करो। आपका अंदर परमेश्वर रहता है, त्रिएक परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आके हमको अपना भवन बना दिया, उनका सुंदर भवन बना दिया। लिख रहे हैं हमारे लिए कोई स्थान नहीं है इस दुनिया में, इब्रानियों 13:14 में बोल रहे हैं हम परदेशी जैसे रहते हैं। आगे 15 आयत में कह रहे हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा वहाँ लिख रहे थे निरंतर, यहाँ पर भी लिख रहे हैं सर्वदा चढ़ाया करें, स्तुति रूपी बलिदान होठों का फल उसके नाम का अंगीकार करते हुए हम परमेश्वर को चढ़ाना है। स्तुति रूपी बलिदान होठों का फल, उसमें प्रभु प्रसन्न होते हैं। हमेशा स्तुति करने वाला एक विश्वासी है, नया नियम का विश्वासी, हमेशा प्रभु की हुजूरी को महसूस करने वाले, महसूस करना है उसकी उपस्थिति में। जब भी हम प्रार्थना में आराधना में जाते हैं उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, घर पे भी बैठ के। लेकिन कलीसिया में इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग होते हैं वहाँ पर, सब लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति को और भी गहराई से महसूस करेंगे, प्रभु की हुजूरी में आनंद मनाएंगे, नए नए प्रकाशन को पाएंगे, गीतों को गाएंगे, प्रभु खुश होते हैं। ऐसे जन समुदाय में आकर प्रभु आशीष देता है, जहाँ पर भी 2 और 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं हूँ, यीशु मसीह का वायदा है, प्रभु की हुजूरी हमारा बीच में है, कलीसिया में है, हम मंदिर हैं। पुराना नियम में मंदिर में लोग जाते थे, इसलिए ये सब लिख रहे हैं, उस मंदिर का बातें कर रहे हैं। लेकिन आजकल कलीसिया ही परमेश्वर का मंदिर है, चर्च बिल्डिंग खास नहीं है, उसके अंदर आने वाले विश्वासी खास है, उनके अंदर प्रभु रहता है। ज़रूर चर्च बिल्डिंग ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले विश्वासियों से, उनके अंदर आने वाले परमेश्वर से वो महत्व होता है। परमेश्वर मंदिर को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, एक एक विश्वासी उसके लिए निवास स्थान बन गया है। तो इसलिए लिख रहे निरंतर प्रार्थना में लगा रहो, सदा आनंदित रहो। ऐसे जो चीज़ें हैं कभी एक बार कर लिया ऐसा नहीं, जो एक विश्वासी है नया जन्म पाए हुए हैं लिख रहे हैं, हर बात में धन्यवाद करो। पहला तस्लोनिके 5:17 में 18 में बोल रहे हैं,
तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, यही परमेश्वर चाहते हैं, आपसे चाहते हैं। हर बातों में धन्यवाद करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो। प्रभु का प्रेम हम अगर महसूस करेंगे, प्रभु का प्रेम को जानेंगे, उसके सम्मुख में हमें आनंद मिलेगा। ऐसा ड्यूटी जैसे सोच करके जाने वाले हमेशा देखता हूँ, चर्च में लेट में आते हैं, आराधना सब खत्म होने के बाद आते हैं। ऐसा ना करो, वो एक ठंडा मसीहत का बताता है, एक गर्मा गर्म नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है। पहला रहा होगा, अभी ठंडा हो गया। हमेशा स्तुति आराधना के लिए तत्पर रहना चाहिए। कभी भी चर्च का आराधना है, समय से पहले ही पहुंचकर पहला गीत से हम शामिल हो जाना चाहिए, पहले ही प्रार्थना से शामिल हो जाना चाहिए। यही एक सच्चाई मसीह है, प्रभु को चाहते हैं, प्रभु के हुजूरी को चाहते हैं। ज़रूर प्रभु वायदा के मुताबिक हमारा बीच में आशीष देते हैं। जो भी लोग ऐसा प्रभु का हुजूरी को चाहते हैं, उनका जीवन में हमने आशीष को देखा है। निरंतर प्रार्थना करने वाले भजन संहिता 42 बोल रहे हैं, मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है, तू क्यों अंदर ही क्यों व्याकुल है। कभी कभी ऐसे परिस्थिति में भी, व्याकुल की परिस्थिति में भी बोल रहे थे, पर आशा लगाए रहे, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसका दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। उसका दर्शन से उसको देखेगा, मुँह चमकेगा, उद्धार पाएगा, धन्यवाद करेगा, उसके भवन में आकर अपना निवेदन प्रार्थना विनती समर्पित करेगा, उसका उद्धार का देखेगा, धन्यवाद करूँ। क्यों अंदर ही व्याकुल होता है, ऐसा करके अपने आप को सिखा रहा है भजन संहिता 42 में और 11 वचन में भी बोल रहे हैं, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा, फिर इस हालत में भी वहाँ कह रहे हैं, लोग मुझसे कहते हैं, कहाँ है तेरा प्रभु। दिन भर दुश्मन कहते हुए मेरी हड्डियाँ चिदी जाती हैं, ऐसा कह रहा है, गहरा जल जल को पुकार रहा है। ऐसे से पुकार रहे यरमन नदी में, वहाँ पर पहाड़ों में, हर जगह पर परमेश्वर के लिए प्यासा में रहता है। यरमन में, यर्दन नदी के पास, सब जगह पर, पहाड़ हो नदी हो, सब जगह में वो परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस कर रहा है। जैसे हिरणी पानी के पीछे भागती है, वैसे हर जगह में उसको परमेश्वर का मुलाकात हो रहा है। इसलिए बोल रहे, मैं उस पर आशा लगाए रखूँगा, वो मेरा मुख की चमक है, मेरा परमेश्वर है। आज मेरे भाई बहन, हम परमेश्वर का हुजूरी को आनंद उठाना चाहिए, उसमें आनंद होना चाहिए। हमारा पास ये अनमोल खजाना है, हमारा मिट्टी के बर्तन में दिया हुआ अनमोल खजाना है, पवित्र आत्मा दिया गया, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया आत्मा के द्वारा। ये सब हम बाइबल स्टडी में मनन किए हैं, ये सब परमेश्वर हमारे अंदर आने के द्वारा सब हमें मिला है। परमेश्वर की हुजूरी में हम रहने के लिए इच्छा रखना है, अकेला रहने के समय में भी प्रभु की हुजूरी को महसूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करें, स्तुति आराधना करें, नए नए गीतों को गाएं, प्रभु की हुजूरी में प्रभु को आनंद मनाएं, प्रभु में आनंद मनाएं। लोग गंदे गंदे बातों बोलने में आनंद उठाते हैं, लेकिन हमें तो परमेश्वर में आनंद होती है, उसकी स्तुति आराधना में। जैसे स्वर्ग में लोग परमेश्वर में आनंद मनाते हैं, वैसे हम भी प्रभु की हुजूरी में आनंद मनाएं। और आगे बता रहे हैं गीत शास्त्र 44 में 5वीं आयत में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य है जो तुझ से शक्ति पाता है, और वह जिनको सियोन की सड़क की
सुधी रहती है, तुझसे शक्ति पाता है। देखिए जो परमेश्वर की हुजूरी के लिए प्यासा के साथ रहने वाला व्यक्ति हमेशा अपना जीवन में हर चीज़ के लिए परमेश्वर से सलाह मांगेगा, परमेश्वर का सहायता मांगेगा। यहाँ लिख रहे हैं जो व्यक्ति अपने यात्रा में हैं, ऐसा लिख रहे हैं, यात्रा में रहने वाले हैं, सियोन की सड़क की सुधी रहती है, मतलब सियोन की यात्रा में जाने वाले हैं। यहाँ पर लिखने वाले हैं जो मंदिर में जो लोग जाते थे उस समय में, तो लोग साल में एक बार मंदिर में जाते थे अपना पर्व मनाने के लिए, प्रभु में आनंद मनाने के लिए। तो जब वो जाते जाते भी गीत गाते हुए जाते थे आनंद से, वही लिख रहे हैं सियोन की सड़क की सुधी रहती है, वैसे ही तुझसे शक्ति पाता है। जब यात्रा में वो लोग जाते थे, वो लोग प्रभु का गीत गाते हुए आनंद मनाते हुए वहाँ परमेश्वर का सहारा पाते हुए जाते थे, बोलते उसी को सुधी रहती है, उसका याद रहता है हमेशा, उसके अनुसार हमेशा प्रभु के ओर से शक्ति को पाना है, सुरक्षा को पाना है। क्योंकि उन दिनों में यात्रा करना आसान नहीं, हमेशा कोई ना कोई जंगली जानवर, दुष्ट लोग, डाकू लोगों की कतरा रहता है। इसलिए कहते हमेशा प्रभु के ऊपर भरोसा में वो लोग जाते थे, प्रभु से शक्ति पाते थे, प्रभु से सुरक्षा को पाते थे। तो सियोन की सड़क की सुधी रहती है, तुझसे शक्ति पाते वही धन्य है। अंग्रेजी में लिखे उस हार्ट इज सेट ऑन पिलग्रिमेज, मतलब स्वर्ग यात्रा में जाने वाले व्यक्ति है, स्वर्ग के तरफ उसके मार्ग है, उसका मार्ग स्वर्ग के तरफ है, परमेश्वर का मार्ग है, जो स्वर्ग में पहुंचाने वाला मार्ग है। उस मार्ग में जाने वाले परमेश्वर से शक्ति पाते हैं वही धन्य है। यहाँ लिख रहे हैं 11वें आयत में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। परमेश्वर से सब कुछ हमें पाना है, अपना होशियारी से, अपने कोई चालूबाजी से, अपना कोई पहुंच, हमारा कांटेक्ट है, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, ऐसा अपने शक्ति पर भरोसा रखने वाले नहीं है। प्रभु में उसके शक्ति को पाने वाले, उस शक्ति से हम शक्तिमान होना, उसके बल से हम बलवान बनना, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करेगा, महिमा देगा, कोई भी अच्छा पदार्थ रखने छोड़ेगा, हमारे लिए सब कुछ देगा। अगर हम उसके शक्ति को पाते हैं, उसका बल को पाते हैं, इस कठिन यात्रा है, स्वर्ग की यात्रा सकरा मार्ग है, इसलिए प्रभु ने कहा सकरा मार्ग में जाओ, जो फटक नरक की ओर जा रहा है विशाल है, मार्ग विशाल है, लेकिन हमारा सकरा फाटक है, सकरा मार्ग है, उसमें हम प्रवेश करते हैं। लेकिन इसमें परमेश्वर से शक्ति पाना, अपने शक्ति पर नहीं, कोई मनुष्य के भरोसे में नहीं, कोई भी बातों पर गमन करना नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह पर मैं गमन करना, वो हमें महिमा देगा, वही हमें उठाएगा, वही हर एक अच्छा पदार्थ से हमें तृप्त करेगा, उसका शक्ति हमें प्रेमी मार्ग में हमेशा अगुवाई करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में हम लोग मनन किए, मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, विवश करता है मतलब उसके शक्ति तो मुझे सही मार्ग में चलाएगा, प्रेम के मार्ग में। उसके शक्ति को हम पाते हैं, उसके शक्ति को हम समर्पण करते हैं, उसका शक्ति हमेशा में करी चाल चलने में मददगार बनेगा। हम अपने शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से चलते हैं, अपना मार्ग लेकर के मारावट को पा लेते हैं, खरी चाल चलना है, परमेश्वर की शक्ति की ज़रूरी है, धर्मता के काम वही करता है। हम उसके मार्ग पर चलते चलते और भी
शक्ति मिलते रहता है और भी प्रकाशमान होते रहते हैं। धर्मी जन की राह अधिक अधिक चमकती है, सूरज की ज्योति के समान दोपहर तक जैसे बढ़ते जाते हैं। नीति वचन में पढ़ते हैं यही खरी चाल, जब हम प्रेम के मार्ग में चलते हैं खरी चाल चलते हैं, पवित्र आत्मा में विवश करता है वही आत्मी धन्य है, उससे शक्ति पाता है, पवित्र आत्मा से संभव है। प्रेम में चलना, प्रेम में रहना, प्रेम में व्यवहार करना, यही खरी चाल चलन है। अपना कोई स्ट्रिक्ट रूल से नहीं होता है, परमेश्वर की शक्ति से, उसका शक्ति को पा करके खरी चाल हम चलते हैं, हम धन्य बनते हैं, प्रभु का आनंद देते हैं, प्रभु हमारे में खुश होता है। वे बल पर बल प्राप्त करते हैं, लिख रहे हैं सातवीं आयत में, बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हरेक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। देखो ज़रूर हम लोग इस दुनिया में रहते हुए प्रभु की हुजूरी को हमारे दिलों में महसूस कर रहे हैं, कलीसिया में भी प्रभु की उपस्थिति को और गहराई में महसूस कर रहे हैं, और जब हम इस प्रेम के मार्ग में, पवित्र मार्ग में चलते रहते हैं, बल पर बल पाते जाएंगे। और लिख रहे उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर का अपना मुंह दिखाएगा, एक दिन ऐसा आएगा हम आमने सामने प्रभु को मिलेंगे। यही मार्ग में बने रहो मेरे भाई बहन, उसके शक्ति पाने वाला मार्ग है, उसके अनुसार चाल चलने वाले मार्ग है, उसका प्रेम पर चलकर बल के ऊपर बल प्राप्त करने वाला मार्ग है। इसमें हम लोग बल के ऊपर बल पाते रहेंगे, पवित्रता और भी पवित्रता, धार्मिकता और भी धार्मिकता, लिख रहे हैं जो धर्मी और भी धर्मी बने, पवित्र व्यक्ति और भी पवित्र बने, प्रकाशित वाक्य 22:11 में पढ़ते हैं। और हम परमेश्वर की उपस्थिति को आज हम महसूस कर रहे हैं अपना अंदर आत्मा में, मन कलिसिया में, लेकिन हम 100% पूरा आनंद ले पाएंगे जब उस पार हम पहुंच जाते हैं, मुँह दिखाएंगे, मतलब आमने सामने हम देखने लगेंगे। अभी हम दर्शन देकर नहीं, विश्वास से चलते हैं, लेकिन सामने आमने सामने मिलेंगे। यूहन्ना लिख रहे हैं उसके समान बन जाएंगे, उसको देखते हुए उसके समान हम बदल जाएंगे। अभी भी हम बदलते जा रहे हैं, महिमा के ऊपर महिमा पाते हैं। अभी दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में हम लोग मनन किए, दर्पण में प्रताप को देखते हैं, प्रकट होता है, जैसे दर्पण में मसीह का प्रताप प्रकट होता है, देखते हुए तेजस्वी रूप में अंशंश करके बदलते जाते, महिमा के ऊपर महिमा प्राप्त करते जाते हैं। यही मसीहत का खासियत है, दूसरे लोगों के जीवन में महिमा घटते जाता है, बुढ़ापन होने के बाद उनके घमंड, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके जो चाहत रखने वाले लोग धीरे धीरे भागने लगते हैं। दुनिया का नियम ही है ये, लेकिन परमेश्वर के जन के लिए ये नहीं नियम नहीं है। हमारे लिए महिमा के ऊपर महिमा, बल के ऊपर बल, पवित्र और भी पवित्र है, धर्मी और भी धर्मी, अधिक अधिक चमकती है धर्मी जन की राग। हम उसके सम्मुख में आनंद उठाते हैं। वो लिख रहे हैं वो लोगों के बारे में, वो लोग भले रोने के वादी में जाते हैं, वो भी यहाँ पर आता है, रोने के वादी में जाते हुए भी उसको वो लोग आनंद का सोता बना देते हैं। रोने के वादी में जाने वाला अनुभव है स्वर्ग की यात्रा में, हमेशा हमारे लिए भेड़ा प्रोसेस नहीं है, हमेशा आराम की ज़िंदगी नहीं है। कभी कभी ये रोने का वादी में होकर भी, गुजर कर भी जाना होता है। ऐसे समय पर भी हम उसको, हम आशीष का सोता बना देंगे, आशीष का सोता बन जाएगा परमेश्वर का बच्चे लोग। आपका आज रोने का कोई भी स्थिति है, प्रभु के सम्मुख में अर्पित करना, आपके एक एक आंसू का बूंद भी गिनकर रखा है,
भजन संहिता 56 में पढ़ रहे हैं, 56 में, 8वीं आयत में, मेरे आंसुओं को अपनी कुपी में रख ले, उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। जब भी हम इस करी चाल में, इस मार्ग में चलते हैं, प्रेमी मार्ग में, नम्र मार्ग में, लोग तुच्छ गिनते हैं, लोग कभी कभी हमें बुरा भला बोलते हैं, हमारा दिल को चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन उस समय में हमारा जो आंसू है लोगों के पास नहीं, प्रभु के पास समर्पित करने से प्रभु उसका गिनती भी अपने पुस्तक में लिख के रखेगा, अपने कुपी में रखेगा। अशाक 38 में हम पढ़ रहे हैं, यजकिया राजा का प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ऐसा बता रहे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे, सुन मैं तेरे आयु 15वां वर्ष और भी बढ़ा दूंगा, 15 वर्ष और बढ़ा दिया, उसका आंसू को देखा, प्रार्थना को सुन लिया। यही परमेश्वर, सच्चाई परमेश्वर है, उसके हुजूरी में आनंद मनाओ, उसके पास अपना सब बातों के लिए शक्ति पाना है, करी चाल चलने के लिए भी, पवित्र जीवन बिताने के लिए भी। अपने शक्ति पर भरोसा मत रखो, अपना शक्ति तो घट जाएगा, अपना डिटर्मिनेशन पावर नहीं है, विल पावर नहीं है, अपना कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई सेल्फ एनर्जी नहीं है। कुछ लोग ऐसे ऐसे सेल्फ एनर्जी का पीछे पड़ते हुए शैतान के जल में फंस जाते हैं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसकी शक्ति को पाना है, तभी रोने का वादी में होकर भी गुजर कर ही जाएंगे, वहाँ रहेंगे नहीं, उसको हम आनंद का सोता बना देंगे, उसमें से भी आशीष हमें मिल जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। पुराना वाचा में रहते हुए अगर एक आत्मी ऐसे गीतों को लिख सकते हैं, समझ लीजिए हमारे लिए और कितने महत्वपूर्ण है। वायदा दिया गया, नया करार दिया गया है, जिसमें परमेश्वर और भी हमारे साथ नज़दीक संबंध में आ गया, इसलिए ये वायदा हमारे लिए कितनी ज़्यादा लागू होगी समझ लीजिए। पुराने नियम का भी क्या क्या हमारे लिए लागू है, क्या क्या हम पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, इसलिए ऐसे ऐसे वचनों को भी हमको परमेश्वर दिखाते हैं, हमसे प्रचार करवाते हैं, लोगों को समझाते हैं, ये भी आपके लिए लागू है। ऐसा नहीं भजन संहिता को पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं पुराने नियम को पढ़ना नहीं, उसमें से भी हम सच्चाई परमेश्वर को देखें जो ना बदलने वाले हैं, उन जमाने में काम किए, उन जमाने के लोगों की आंसुओं को पोंछा, आज हमारे लिए भी वही सच्चाई विश्वास योग्य परमेश्वर है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। वही हम 12वें वचन में पढ़ते हैं, ये सेनाओं का यहोवा क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए परमेश्वर से हम शक्ति को पाते हैं ज़रूर, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अनमोल खजाना सामर्थ्य हमारे अंदर आ गया, और उस पवित्र आत्मा में हमारे लिए बुद्धि भी है, सब चीज़ है, उसी के भरोसा में हम जीवन बिताना चाहिए। शक्ति भी पाना है, बुद्धि भी पाना, शांति भी पाना है। भजन संहिता 85 में हम देख रहे हैं 12वीं आयत में, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, हमारी भूमि अपनी उपज देगी। प्रोवाइडर है हमारे लिए, कोई भी अच्छे पदार्थ रखना छोड़ेगा, हमको ज़रूर देगा, भरोसा करो, उत्तम पदार्थ देगा, घटिया चीज़ नहीं देगा, बढ़िया चीज़ देगा। और लिख रहे हैं धर्म उसके आगे आगे चलेगा हमेशा, परमेश्वर का सिंहासन धार्मिकता से है, कभी भी टेढ़े मोड़ा नहीं है, क्रुकड़ नहीं है, धर्म के मार्ग में हमें ले जाएगा, और उसके पावों के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा, उसके पावों को चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाए, उसके पद चिन्ह पर हम चलने के लिए हमें अगुवाई करेगा, उसके लिए हम भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर का अगुवाई के लिए वेट करना, इंतज़ार करना है,
परमेश्वर सही मार्ग पर अगुवाई करेगा। उस पर भरोसा करो, उसका वचन को पढ़ो, समझ लो, उसके पावों को, चिन्हों को, पद चिन्हों को वचन से देखो, वचन से प्रभु का प्रताप को देखो, प्रभु का काम करने का तरीका को देखो, समझ लो प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना पवित्र है, कैसा प्रेमी है, क्षमा में सागर है। ऐसे ऐसे परमेश्वर का हम विश्वास कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वही हमारा सब चीज़ प्रोवाइड करेगा, वही हमें अगुवाई भी करेगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, भरोसा रखना है, उसके मार्ग पर विश्वास से चलना है। सकरा मार्ग है, धन्य व्यक्ति है उस पर भरोसा करने वाले हैं, धन्य व्यक्ति है परमेश्वर से शक्ति पाने वाले हैं, धन्य व्यक्ति है परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाले हैं, निरंतर धन्यवाद करने वाले हैं। यही लोग लकी लोग, लकी बोलते हैं लोगों को, कहीं लॉटरी लग गया, कोई मकान खरीद लिए, कोई अच्छा पत्नी मिल गए, तो सारे लकी आदमी हैं। लकी नहीं है, परमेश्वर से आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। जो व्यक्ति ऐसे से, जो व्यक्ति जिसके पास ऐसे ऐसे गुण हैं, वही सचमुच में धन्य है। पवित्र शास्त्र अनुसार दुनिया के नज़रों में धन्य व्यक्ति वो होंगे जो पैसा वाले हैं, प्रसिद्ध वाले हैं, जिसके पास बहुत पहुंच है, जिसके पास बहुत फॉलोअर्स हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वही लोग धन्य हैं, ये लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कभी नहीं मुरझाते। यिर्मयाह के 17 अध्याय में पढ़ रहे हैं, वो कभी नहीं मुरझाएंगे। सूखापन में भी, अकाल के समय में भी हरा भरा रहेगा, उसके जड़ एकदम जीवन जल की नदी के पास फैला हुआ रहेगा। परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचनों को विश्वास करना है। यूहन्ना 20 अध्याय में वहाँ पर हम यीशु मसीह का चेला थोमा के बारे में देख रहे हैं, वो देखने के बाद ही विश्वास किया। यीशु जी उसको बता रहे थे, तुम बिना देखकर विश्वास करना चाहिए, वही धन्य है, वही धन्य लोग हैं विश्वास करने वाले बिना देखे। यौवन आगे लिख रहा है, परंतु 31 आयत में इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, अनंत जीवन को पाओ। विश्वास अनंत जीवन में लेके जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, छोटे मोटे बातों में भी, बड़े बातों में भी उसका अनुग्रह पाओ, उसका सहारा पाओ, उससे शक्ति पाओ, उसके उजर में आनंद मनाओ। विश्वास करते रहो, भरोसा करते रहो, वही हमारा प्रोवाइडर है, वही हमारा उद्धारकर्ता है, वही हमारे लिए सब कुछ देने वाले, उत्तम से उत्तम बातों को हमारे लिए रख छोड़ा है। भरोसा करेंगे, इंतज़ार करेंगे, जल्दीबाजी कभी ना करना, यहोवा पर सदा भरोसा रखना है। यहोवा पर सदा भरोसा रखो। यहाँ लिख रहे हैं यशायाह का 26 में 3 और 4 वचनों में हम पढ़ रहे हैं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। देखो, अगर हमारा भरोसा उस पर रहेगा, हमको पूर्ण शांति के साथ परमेश्वर हमें रक्षा करेगा। शांति को बिगड़ने के लिए काफ़ी चीज़ें आएगी, लेकिन वो हमारा शांति परमेश्वर रखवाला करेगा, वही रक्षा करेगा, क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। और आगे लिख रहे हैं 4 आयत में, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वही हम नया गीत गाए थे, सनातन चट्टान न बदलने वाले, यीशु मसीह आजकल हमेशा के लिए एक सा है, नहीं बदलने वाले, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, सनातन चट्टान है। यही धन्य है, यही धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर की हुजूरी को चाहत रखता है, निरंतर उसको धन्यवाद करता है,
और परमेश्वर की राह पर चलते चलते उसी से शक्ति को प्रशक्ति प्राप्त करते जाता है और हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए भरोसा करते हुए परमेश्वर का भवन सियोन तक पहुंच जाता है, आनंद के साथ अपनी यात्रा को समाप्त कर पाएगा। तीन चीज़ों याद रखना है, प्रभु की हुजूरी की चाहत होनी चाहिए, प्रभु से शक्ति पाना चाहिए, प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। तीनों बातों को इस भजन संहिता में हम देख रहे हैं, कैसे कैसे परमेश्वर उनको शक्ति दिया है, उन लोगों को मदद किया है। बाइबल में हम देख रहे हैं वही परमेश्वर आज हमारे लिए भी शक्ति प्रदान करेंगे, उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेंगे, बढ़िया से बढ़िया आशीष मिलेगा। कभी भी घटिया चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, परमेश्वर आपके लिए अच्छे चीज़ रख छोड़े हैं, कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे, उदास नहीं होने देंगे, हमेशा पूर्ण शांति के साथ आपको रक्षा करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का मधुर वचनों के लिए आप हमारे लिए दिया है, इस वचनों के साथ हमसे बात किया है। आपके ऊपर भरोसा करने वालों को आप पूर्ण शांति के साथ रक्षा करते हैं प्रभु, आज हम आपको भरोसा करते हैं प्रभु जी। आपके मार्ग पर चलते हुए आपसे हम शक्ति को पाते हैं, आपके भवन में रहते हुए निरंतर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भले हम आंसुओं की तराई में होकर गुजरते हैं, रोने के वादी में गुजर कर भी उसका आशीष का सोता आप बना देते हैं। हमारे एक एक आंसुओं को अपने चर्चा अपने पुस्तक में लिखा हुआ है प्रभु, हमारा एक एक आंसू आपके कूपी में आपने कलेक्ट करके रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विजेक्या का परमेश्वर है प्रभु जी, आप दाऊद का परमेश्वर है, सारे भक्त लोगों का परमेश्वर है, जिन लोग आपके चेहरे को देख करके उनका मुंह चमक लिया था वही परमेश्वर आज जिसका चेहरा कम देख रहे हैं हमारा मुंह को भी आप चमकाने वाले हैं। हमारे हृदय में आपका प्रकाश को आपने चमका दिया, उस प्रकाश हमारे अंदर हर दिन बढ़ते जाएं, हमारा में आपका प्रकाशन और भी हर प्रतिदिन बढ़ते चला जाए। महिमा के ऊपर महिमा, रोशनी के ऊपर रोशनी, बल के ऊपर बल पाते हुए आनंद के साथ हम लोग का यात्रा हमारा दौड़ विजेता के साथ पूरा होने के लिए हरेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बीच में कभी भी हम निराश होकर बैठे नहीं, कभी भी गुड़गुड़ाए नहीं प्रभु जी, कभी भी आपसे मुंह न मोड़े, हमेशा आपका चेहरा को देखते रहे, आपसे प्रकाश पाते रहे। आपके हाथों में अरे कम समर्पण कर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्ग पिता, आमेन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमेन।